जयपुर में पुलिस ने एक डरावने अपराध की बुराई को सामने लाते हुए एक मदारी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने छोटे बच्चे का अपहरण कर उन्हें मदारी के खेल में जमूरा बनाकर भीख मांगने का कार्य करवाया था। जयपुर GIAP पुलिस ने हरियाणा के एक मदारी गिरोह के सदस्यों में शामिल पति पत्नी और उनके तीनों बेटों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बच्चे का अपहरण 10 साल पहले हुआ था, जबकि दूसरे बच्चे का किडनैपिंग हाल ही में कोटा रेलवे स्टेशन से किया गया था। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी अपहरणकर्ता पहले बच्चों को भोपाल और फिर जयपुर से ले गए और उन्हें जमूरा बनाकर भीख मांगने का कार्य करवाया था। रेलवे पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक अनिल पालीवाल ने बताया कि बीते 6 मई को कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण की सूचना मिली, जिसके बाद CCTV फुटेज चेक किए तो मासूम बच्चे को गोद में उठाकर कोटा स्टेशन से बाहर की तरफ जाते दो शख्स दिखाई दिए, जिसके बाद GRP पुलिस ने मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए प्रकरण में त्वरित अनुसंधान कर अपहरणित बालक को शीघ्र दस्तयाब करने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। तभी पता चला कि अपहरणकर्ताओं की किसी बात को लेकर अन्य लोगों से कहा सुनी हुई और झड़प भी हुई थी। इस इनपुट को पुलिस ने बड़ी होशियारी के साथ डेवलप करते हुए अपहरणकर्ताओं की पहचान सुनिश्चित करते हुए जयपुर के भट्टा बस्ती कच्ची बस्तियों के डेरों में छानबीन कर 4 वर्षीय बच्चों को सकुशल दस्तयाब करते हुए 5 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित अनुसंधान किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहरण बच्चों को मुक्त करवाया गया। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। कोटा रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 मई 6 मई इस दौरान की घटना है कि एक पिता अपने 4 साल के बच्चे के साथ कोटा से यूपी में फिरोजाबाद जाने के लिए आए थे। उनकी एक ट्रेन चूक गई थी। दूसरी ट्रेन के लिए जब वो टिकट लेने गए तो इस बच्चे को अज्ञात अपराधी उठा करके लेके चले गए। इस घटना के बाद तुरंत GRP पुलिस अलर्ट हो गई और अपनी कार्रवाई में लग गई। SP GRP राममूर्ति जोशी जो हैं, उनके हल्के का मामला था तो सारी टीमें इसके लिए सक्रिय की गई। और क्योंकि ये 4 साल के बच्चे का मामला था, अपने आप में बहुत गंभीर मामला था, आजकल RPF के भी CCTV रहते हैं और भी व्यवस्था रहती है, तो CCTV देखने से कुछ चीजें समझ में आई। उसके बाद में टीम ने पूरा होमवर्क किया। अभय कमांड जो कोटा पुलिस का अपना एक सेंटर है, वहां के कैमरे भी देखे गए तो उसका रूट समझ में आया, झालावाड़ की तरफ ये रूट है। उसके बाद लगभग 450 कैमरे न केवल टॉल के बल्कि महत्वपूर्ण स्थानों के, कई जगह दुकानों वगैरह में भी होते हैं, उनको फॉलो करके समझ में आया कि ये मूवमेंट भोपाल तक हुई है। किडनैपर्स ने एक मोटरसाइकिल यूज की थी, मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था, जो अभी हमको बाद में पता चला है कि किशनगढ़ से चुराई थी उन्होंने मोटरसाइकिल। अब संयोग की बात यह है कि किसी भी टॉल पे उस मोटरसाइकिल के नंबर वगैरह पढ़ने में नहीं आए, समझ में नहीं आए। पर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ। एक जगह पता करते समय पता चला कि इन अपहरणकर्ताओं की किसी से ऐसे नोकझोंक हुई है, वाद विवाद हुआ है कहीं पे, ये रुके थे वहां पे। वहां पे हमने बहुत अच्छी चीज डेवलप करी हमारी टीम ने कि उस झड़प के बाद में जैसे किसी प्राइवेट आदमी को इन्होंने अपने नंबर दिए थे, क्योंकि उसने कहा कि भाई कॉल करो, आप इनके परिवार वालों को कॉल करो। जब हमने ये चीज डेवलप करी तो उसके बाद में संयोग ऐसा हुआ कि उस आदमी ने भी मोबाइल अपना किसी को बेच दिया था, तो एक बड़ा संकट था कि कहीं फॉर्मेट नहीं हो गया हो। पर टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की तो उससे एक नंबर ट्रेस हुआ, वो नंबर इनसे जुड़ा हुआ था। उस नंबर पे वर्क करने के बाद में इस गैंग का खुलासा हुआ और कल रात्रि में इस गैंग के 5 मेंबर पकड़े गए, जो कि ये मूलतः तो भिवानी के रहने वाले हैं, इसमें एक महिला भी शामिल है, अभी और तफ्तीश भी हो रही है। तो सबसे ज्यादा इनका जो अलार्मिंग पक्ष है, जो खतरनाक पक्ष ये है कि ये लोग जो मदारी का खेल दिखाते हैं, आजकल मदारी के खेल में जानवरों का प्रयोग तो बंद हो गया है, पर उसके लिए इन्होंने इस बच्चे को ग्रूम करने के लिए, तैयार करने के लिए उठाया था। एक हमको ये जानकारी आई, आज से 10 साल पहले भी इस गैंग से जुड़ी हुई एक वारदात हुई है, उसका भी एक बच्चा है, तो उसमें हमको भी कई तस्दीक करनी पड़ेगी नियमानुसार, उसके पेरेंट्स लोकेट करके, जो भी एज पर लॉ कोई DNA टेस्ट है, दूसरा है, वो एक लंबी प्रक्रिया है।
जो हमको प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि ये इस गैंग से जुड़े हुए या इनके रिश्तेदार या जानकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, भिवानी, हरियाणा इधर भी हैं। हम संबंधित पुलिस से भी संपर्क में हैं ताकि बहुत गहराई से सारी चीजों की तस्दीक की जाए। तो मुख्य बात इसमें यह है कि इस तरह से मदारी का खेल दिखाने वाले या खानाबदोश की तरह मूवमेंट करने वाले इतना अटेम्प्ट करके बच्चों को चुरा रहे हैं, बच्चों की किडनैपिंग कर रहे हैं, और जिसके ऊपर हमारे सभी एजेंसीज का फोकस रहता है, आरपीएफ का, रेलवे पुलिस का, लोकल पुलिस का, इसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं। इसके लिए एक पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है, समय समय पर अभियान भी चलते हैं। पर जीआरपी पुलिस अजमेर ने जिस वारदात को बड़े मेहनत से, और टेक इंट तो हमेशा यूज होती है, इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करके आप कल्पना कीजिए, इन्होंने भोपाल तक एक एक चीज को डेवलप किया और दिन रात मेहनत करके इन्होंने इसका एक क्लू निकाला, और वही सबसे इम्पोर्टेंट क्लू था जिसके आधार पर इस गैंग के मेंबर पकड़े गए, बच्चा भी बरामद हो गया है। और जो मैंने बताया कि आगे मेहनत करने पे कई इनसे और चीजें भी पता चलेगी, तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी कार्रवाई जीआरपी पुलिस राजस्थान द्वारा और जीआरपी जिले अजमेर द्वारा की गई है। देखिए, जो हमको प्राइमरीली समझ में आया है कि आजकल बंदर, भालू, इनका प्रयोग तो लीगली बैन है, पर आपने कई बार सड़क किनारे अदरवाइज देखा होगा, करतब दिखाते हैं, रिंग में से कोई निकल रहा है और रिंग में से निकल रहा है, रस्सी पे चल रहा है, उस तरह का ये। फिर इस गैंग के मेंबर क्योंकि कई बार दूसरे काम भी कर लेते थे, कोई शादी ब्याह में जैसे बर्तन मांजने का काम है, तो अच्छा इन्होंने भी इस वारदात के लिए दो मोटरसाइकिलें चुरा ली जैसे, तो ये मोटरसाइकिलें भी चुरा लेते हैं। तो मेरे को जो समझ में आ रहा है, अभी तो हम इस पे होमवर्क करेंगे, डिटेल इंट्रोगेशन होगा, सारी और एजेंसीज को और पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे, तो ये काफी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त रहे हैं। पर उसमें से जो बच्चों वाला आयाम है वो बड़ा एक अलार्मिंग अलार्म है, और जिसको बहुत इस गैंग के पकड़े जाने से एक बहुत बड़ा एक आयाम सामने आया है। बेसिकली तो ये बच्चों, 4 साल के बच्चे के साथ क्राइम है, तो ये बेसिकली आप इसको माने कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ही गैंग हुआ जो इन बच्चों को आगे काम में ले रहा है, जब मदारी का खेल दिखाने में काम में ले रहा है, इसका कोई और पर्पज भी हो सकता है। हाँ, वो चीजें अभी तफ्तीश के दौरान सामने आएगी, अभी कल तो हमने इनको पकड़ा ही है, तो वो आगे सामने है। देखिए, वो उस विषय पे बहुत गहन तफ्तीश की भी जरूरत है, और हम मध्य प्रदेश पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उन सबको बताएंगे जो भी ऐसे संदिग्ध स्थान है या संदिग्ध समूह है वहाँ पे सही प्रकार से जानकारी की जाए। 10 साल पहले वारदात हुई थी, 2014 में एक वारदात हुई थी, उसके बारे में हमारे को डाउट है कि कुछ प्राइमरी इंडिकेशंस मिले हैं हमारे को कि उसमें भी ये गैंग इन्वॉल्व है, और ये उसको बच्चे को एक बार करने के बाद अपने क्राइम में भी यूज कर लेता है, तो उस पर भी हमारा होमवर्क चल रहा है, पर उसके स्ट्रांग इंडिकेशन मिले हमारे को।